Assalamu alaikum. Scholarship exam, fees, subject English. Today we are going to learn writing word register. Alfaz ki fehrist taiyar karna. Pyare bachcho, isme hum puche gaye sawalat aur jawabat ka mushahida karenge. Writing word register, alfaz ki fehrist taiyar karna. Isme question number 1 hai. Look at the following word register and select the correct word related to it. जेल में अल्फाज की फहरिस्त देखिए और इसके मुताबिक मुनासिब लफ्ज मुंतखब कीजिए. स्कूल, इससे रिलेटेड दिया हुआ है टीचर, बेंच, डेस्क, ब्लैकबोर्ड, डस्टर. यहाँ पर मुतबादला दिए हुए हैं मिक्सर, क्लासरूम, यूटेंसिल, कार. ऊपर दी हुई अल्फाज की फहरिस्त में स्कूल से ताल्लुक रखने वाले अल्फाज है, इसलिए यहाँ पर क्लासरूम फहरिस्त से मुताल्लिक है, तो हम नंबर 2 वाले दायरे को रंग देंगे. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड्स विद द लेटर जी. जेल का कौन सा लफ्ज हर्फ जी पर खत्म होता है. मुतबादला दिए हुए हैं गोल्ड, फ्रॉग, डिजाइन, लाइट. नंबर 1, 3 और 4 का अगर हम मुशाहिदा करते हैं तो जैसे गोल्ड, डिजाइन, लाइट, इसके आखिरी हर्फ अलग अलग है, जबकि नंबर 2 फ्रॉग, इसका आखिरी हर्फ जी है, इसलिए नंबर 2 सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड. पिछले लफ्ज के आखिरी हर्फ से शुरू होने वाले अल्फाज की दी हुई फहरिस्त को मुकम्मल करने के लिए मुनासिब लफ्ज मुंतखब कीजिए. यहाँ पर दिया हुआ है डॉग, गॉड. ऑप्शन दिए हुए हैं पॉट, डोर, पॉट, बैग. अगर हम डॉग को देखते हैं जिसका आखिरी हर्फ जी है, उसका अगला जो लफ्ज है वो जी से शुरू हो रहा है और इसीलिए गॉड के आगे आने वाला जो लफ्ज है वो डी से शुरू होने वाला चाहिए. यहाँ पर डी से शुरू होने वाला लफ्ज है डोर, नंबर 2. यहाँ पर हमें एक और मुशाहिदा भी करना है कि अगला जो लफ्ज है वो किस से शुरू हो रहा है. वो हो रहा है आर से शुरू, जो कि डोर का आखिरी हर्फ है, इसलिए सही मुतबादिल नंबर 2 है. विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज नॉट अ फूड आइटम. जेल का कौन सा लफ्ज गिजाई लफ्ज नहीं है. नंबर 1 ऑमलेट, डोसा, रोटी, टैमरिन. हमें पता है कि ऑमलेट, डोसा, रोटी ये गिजाई अशिया है, जबकि टैमरिन जो है गिजाई अशिया नहीं है, टैमरिन यानी इमली, इसलिए नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड वर्ड. ये सवाल 2017 में पूछा गया था. ग्रोह से ताल्लुक न रखने वाला लफ्ज पहचानिए. ऑप्शन दिए हुए हैं कैबेज, ऑस्ट्रीच, रेडिश, ब्रिंजल. अगर हम मुशाहिदा करें तो हमें पता चलता है कि कैबेज, रेडिश, ब्रिंजल ये एक ही ग्रोह के हैं, ये सब्जी तरकारियाँ हैं, वेजिटेबल्स हैं, जबकि ऑस्ट्रीच जो है ये परिंदे का नाम है, शुतुरमुर्ग, इसलिए नंबर 2 सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द पेयर्स. जेल के मुतबादलात में से सही जोड़ी मुंतखब कीजिए. नंबर 1, स्काई, अर्थक्वेक. नंबर 2, वाटर, फिश. नंबर 3, कंप्यूटर, पेन ड्राइव. नंबर 4, स्कूल, पेशेंट. यहाँ पर दिए हुए मुतबादलात में हमें स्काई, अर्थक्वेक ये जोड़ी जो है गलत है. हमें पता है कि अर्थक्वेक जो है जलजला आसमान में नहीं होता है, जबकि ज़मीन में होता है. वाटर, फिश, वाटर का ताल्लुक फिश से और फिश का ताल्लुक वाटर से होता है, ये सही जोड़ी है, वाटर, फिश. कंप्यूटर, पेन ड्राइव, कंप्यूटर और पेन ड्राइव का भी ताल्लुक एक दूसरे से होता है, ये सही है जोड़ी. जबकि स्कूल और पेशेंट, स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, पेशेंट नहीं, इसलिए ये जोड़ी गलत है. यहाँ पर हमें सही जोड़ी पहचानना है. सही जोड़ी है बी और सी, इसलिए नंबर 4 ये
ऑप्शन जो है बी और सी सही है, इसलिए हम नंबर 4 वाले दायरे में रंग भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव शेप। सही मुतबादिल चुनिए। लॉन्ग, टाइट, ओवल, ब्रॉड। यहाँ पर जो है ओवल जो है शक्ल की किस्म है, इसलिए 3 नंबर वाला जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ऑड टर्म। ग्रुप से ताल्लुक न रखने वाले लफ्ज पहचानिए। हार्ट, ब्रेन, लंग्स, हेयर। यहाँ पर हमें पता है कि हार्ट, ब्रेन, लंग्स ये एक ग्रुप है, ये हमारे अंदरूनी अज़ा है, जबकि हेयर जो है इस ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता। हेयर जो है बैरूनी अज़ा है, इसलिए नंबर 4 यहाँ पे सही मुतबादिल है। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द थीम यूज इन किचन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जेल का कौन सा लफ्ज बावर्ची खाने की चीजों से ताल्लुक रखता है। नंबर 1, स्पेड, पिलो, फ्यू, शूज। दी हुई चीजों में बावर्ची खाने से ताल्लुक रखने वाली चीज है फ्यू यानी छन्नी, इसलिए नंबर 3 यहाँ पर सही मुतबादिल है। क्वेश्चन नंबर 10, सी द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तस्वीर देखिए और मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं डॉक्टर, पुलिसमैन, लॉयर, पोस्टमैन, और आपको यहाँ तस्वीर दिखाई हुई है। तस्वीर में हमें नज़र आ रहा है, जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं ये तमाम चीज़ें डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर मुतबादिल एक डॉक्टर सही जवाब है।